नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सुल्तानपुरी आवासियों ने 2014 के चुनाव से पहले की मांगों को लेकर के आज इस समय मतदान का बहिष्कार किया है। 2019 के चुनाव में गांव के लोगों के सरकार की नीतियों के प्रति एकजुट की सुगबुगाहट जारी है। 2500 वोटों वाले सुल्तानपुरिया के लोगों की एकजुटता किसी भी प्रत्याशी का पासा पलट सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि किसानों को फ्लडी पानी अगर नहीं दिया गया और यहाँ से नहर नहीं दी गई तो वोट भी नहीं दिया जाएगा। पूरे मुद्दे पर एकजुट है ग्रामवासी। वहीं सुल्तानपुरिया से शहर रानिया की ओर जाने वाली सड़क काफ़ी लंबे समय से टूटी हुई है और उस पर पानी भरा रहता है। इसके साथ साथ उच्च शिक्षा के लिए नज़दीक में कोई भी बड़ा शिक्षण संस्थान नहीं है। बेरोजगारों को रोजगार न मिलने के कारण युवाओं में काफ़ी नाराजगी के तेवर दिखाई दिए। उनका यह भी आरोप है कि 4.5 सालों में आज तक कोई भी पार्टी का नेता इस समय सुल्तानपुरिया में नहीं आया और ना ही समस्याओं के बारे में जानकारी ली। हल करना तो दूर की बात है। पल पल रानिया से ओपी वर्मा की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आज हल्का रानिया के गांव सुल्तानपुरिया में पहुंचे हैं। यहां के लोगों से जानते हैं, उन्होंने पिछले 2014 के चुनाव में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था, एक भी वोट पोल नहीं किया, पूरा गांव एकजुट रहा। आज 2019 के चुनाव में इन लोगों की नब्ज देखते हैं, क्या कहना इन लोगों का, उन्होंने चुनाव में कैसा मूड बनाया है? देखो जी, अपने अपने विचार है सबके, जो जिसका जी चाहेगा वही घेरेगा। हम कांग्रेस को घेरेंगे, हम मोदी को नहीं घेरेंगे। वजह ये है कि मोदी ने कुछ नहीं किया। अच्छा। एक तो जो ये सर्जिकल स्ट्राइक बता रहा है वो सब झूठ है। अच्छा। एक पुलवामा जो हमला करवाया वो मोदी ने और शाह ने और वो सुमित पात्रा ने, इन्होंने करवाया सिर्फ चुनाव के लिए, क्योंकि पहले इन्होंने एक मुद्दा उठाया था भी राम मंदिर बनवाएंगे। राम मंदिर को बुलाने के लिए इन्होंने ये नया बाउंडर रच के और लोगों को वो भी ये लोग मंदिर का नाम ना लें और इन्होंने नया ये कर दिया था। 2014 के चुनाव में आपने चुनाव का बहिष्कार किया था? बिल्कुल किया था। वो क्या वजह रही थी? वो वजह ये थी जी, हम 88 में हम डूबे थे, गगन नदी का पानी जो आया था वो 88 में डूबे थे हम। उसके लिए हमारा गांव वहां सहरनी तक ट्रैक्टर लेके बांध पर गया था और डूबने में हम, अब आज पानी जो लग रहा है कितनी दूर तक लगा, हम जड़ में बैठे हैं, हम सूखे हैं। हमने इसलिए किया था कि हमें पानी दो नदी का और हम वोट डाल देंगे। तो पानी अभी तक आपको नहीं मिला है? नहीं जी, पानी नहीं मिला। इन चुनाव में आपका क्या विचार है? हम तो जी देखो, जिसका जी चाहे जहीं भी गेरे, किसके ना गेरे, जिसका मोदी को जी करता मोदी को डाले। आपके गांव में कितने वोटर हैं? हमारे गांव में 2000 वोटर। 2000 वोटर हैं तो सारे एकजुट हैं? वैसे सब एकजुट हैं, परंतु इनका क्या कहना है? देखो जी, हमारे गांव में 14 में जब चुनाव हुआ उस टाइम हमने बहिष्कार किया और इस बार हम अपनी अपनी डफरी अलग अलग जा रहे हैं, कोई किसी का समर्थन नहीं। परंतु हमारा तो ये कहना है सब लोगों का, को देश हित की बात करे और जो अपने ये है, जो देश द्रोह के और देश के टुकड़े टुकड़े के बारे में कोई अपने बात करे उनको वोट मत दो, देश हित की बात करे उसको वोट दो, एक एक वोट दो, जितना परसेंट ज़्यादा वोट हो उस। और बाकी ये है काम है, नहरी पानी जो भी देगा, नहरी पानी फ्लडी पानी देगा। हम सरकार की कार्यप्रणाली से खुश हैं? हम तो ठीक बिल्कुल खुश हैं, बाकी वो रंग पदों में तो खुश। आप युवा हैं इस गांव के, तो आप बताइए आपके गांव का क्या रुझान है? हमारे गांव का रुझान, 2014 में तो हमारे गांव ने बहिष्कार किया था पूर्ण रूप से, किसी भी पार्टी को ना चुनाव प्रचार करने दिया ना वोट किसी को दिए। तो हमारे एक बहुत बड़ी मांग है, फ्लडी नहर की मांग है और टू वार्ड हमारे से लगभग 5 किलोमीटर है, फिर भी हमारे गांव में फ्लडी पानी नहीं है। फ्लडी पानी ना होने की वजह से वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया है और बोरों के पानी भड़के और फसल उत्पादन कम हो रहा है। ये पिछले 2014 में मांग थी हमारी नहीं पूरी हो पाई और 2016 में मुख्यमंत्री जी यहाँ रानिया आए थे, उस टाइम हमारे गांव ने इकट्ठे होके
और डॉक्टर वेद बैनीवाल और शिषपाल जी कंबोज, उन्होंने आश्वासन दिया था भी हम आपकी जो मांग है वो घोषणा पत्र में रखेंगे, मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे, आपकी मांग पूरी कराएंगे, आप चले हमारे साथ। तो पूरा गांव सभी पार्टियों को बुलाकर और उनके साथ 1000 के लगभग ट्राली ट्रैक्टर डोलनगाड़ों के साथ रैली में गए थे। वहाँ रैली में तो हम गए, हमारी मांग ना तो मांग मांगी गई ना घोषणा पत्र में हमारी मांग थी, हमारी मांग दबा दी गई। उससे बाद में गांव बीजेपी से पूरा खफा है, बीजेपी वाले झूठे वादे करते हैं, झूठे जुमले करते हैं और इन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, हरियाणा को जलाने का काम किया। 3-3 बार यहाँ पर जातिवाद के नाम पर पूरे हरियाणा के अंदर विरोध फैलाया गया, जाटों को मुसलमान का दर्जा दिलाने का काम किया गया और इन्होंने कोई हरियाणा के अंदर हमारे गाँव के अंदर कोई ऐसा विकास नहीं किया जो बीजेपी को वोट दें। गाँव का किस तरह माहौल ज्यादा है? हमारे गाँव में कांग्रेस पार्टी के वर्कर अपना जोर लगा रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के लगा रहे हैं, हमारे गांव में दो ही पार्टियों की टक्कर है, बीजेपी के यहाँ ना मात्र वोट है, बीजेपी का यहाँ कुछ नहीं है, क्यों? बीजेपी जुमलेबाजों की पार्टी है। नहीं, स्थानीय नेताओं का भी कोई विरोध है बीजेपी का? हमारी जो मांग है, हमारी मांग 3 बार फाइल चंडीगढ़ चली गई, रिजेक्ट होके आ जाती है, तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट से ये नाराजगी है, तो सेंटर सरकार हमारा क्या करेगी? स्टेट गवर्नमेंट हमारी सुनवाई नहीं कर रही, मुख्यमंत्री नहीं कर रहा है, हमारे यहाँ लोकल नेता है उनसे चक्कर मार मार के परेशान हो लिए फ्लडी नहर के लिए। ये किसान, ये गांव किसानी पर निर्भर है और नहर का पानी नहीं मिलेगा, किसानी बर्बाद हो जाएगी तो किसान बर्बाद है, हम बीजेपी को वोट क्यों दे, किस लिए दे? हम सुल्तानपुरिया के अन्य लोगों से भी जानते हैं, 2000 वोटों का गांव है ये, यहां इन लोगों का क्या रुझान है, क्या मुख्य मुद्दे हैं? मुख्य मुद्दे तो हमारा जी फ्लडी पानी का ही है विशेष तौर पर, तो हमने 2014 में इसी कारण लोकसभा का चुनाव का बहिष्कार किया था। हमारे गांव में ना तो किसी नेता को घुसने दिया, ये हमारे गांव का एक प्रण था। अब जुमले बहुत दे रहे हैं, हमारे पास लीडर भी आते हैं, अब की बार हमारा एक ही मत है गांव का, लगभग 2200 वोट है हमारे गांव के, एक तरफा माहौल, एक ही पार्टी को, कोई भी पार्टी जो हमारा मुख्य मुद्दा जो है उसको अगर हमें तसल्ली देगी तो सारा वोट एक तरफ ही डालेंगे, एक ही पार्टी को डालेंगे। इसके अलावा और कौन सी आपके गाँव के मुख्य मुद्दा है, आपके गाँव का रुझान किस तरफ ज़्यादा है? हमारे गांव का रुझान तो जी डार्क जोन घोषित कर दिया, कनेक्शन हम ले नहीं सकते, वाटर लेवल हमारा नीचे है, तो आने वाले भविष्य में हमारे गांव के जो बच्चे हैं उनका भविष्य खतरे में हमें लग रहा है, तो पानी के लिए हमारा विशेष करके यही है जी, अगर हमें पानी मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है हमें अब की बार भी चुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगी। 4.5 साल सरकार ये रही है, इस सरकार की कार्य प्रणाली से आपके गाँव के लोग कितने संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी, इन्होंने कोई काम नहीं किया, ये तो उल्टा ना वैर विरोध का काम बातें करते हैं जी, और कुछ नहीं है इनके पास, है झूठी बातें करते हैं जी और कुछ नहीं है। सुल्तानपुरिया के युवाओं को जानते हैं भी, इनका क्या कहना है? गांव सुल्तानपुरिया से बोल रहे हैं जी, हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है बीजेपी की सरकार में, रोड पट्टे को 6 महीने हो गए हैं, पत्थर ही पत्थर पड़ा है रोड पे, कोई काम नहीं हो रहा, और बेरोजगार को कोई रोजगार का साधन नहीं मिला अभी तक, और हमारे गाँव के अंदर फ्लडी पानी की बहुत ही कई सालों से मांग है, वो अभी तक हमारे को नहीं मिल रही, इसी कारण हम पिछले प्लान में भी हमने इलेक्शन का बहिष्कार किया था, हो सकता है इस बार भी हम अपना इलेक्शन का बहिष्कार कर सकते हैं जी। पर उन मुद्दों पे क्या सरकार खरी उतरी है? नहीं उतरी जी, बिल्कुल नहीं उतरी, युवाओं को नौकरी चाहिए होती है, वो नौकरी सरकार नहीं दे पाई, जो सरकार ने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। तो शिक्षा के आपके गाँव में संस्थान वगैरह नजदीक कहाँ है? शिक्षा के निस्थान यहाँ कोई नजदीक में कोई संस्थान नहीं है जी। कहाँ पढ़ने जाते हो आप? सिरसा जाते हैं या हिसार जाना पड़ता है। सिरसा यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है? सिरसा यहाँ से 25-30 किलोमीटर पड़ जाता है। ये किसान की नब्ज भी जानते हैं, इनका क्या कहना है, इनका किस तरह आज का विरोध जारी रहेगा? किसान सुल्तानपुरिया किसान की एक ही बेहतर मांग है, पानी नाली का, उसके वो जीवन रेखा है, और जो डार्क जोन इन्होंने कर दिया, एक किसान के पास तो 2 एकड़ जमीन है, उसका ट्यूबवेल लगा 1 के 15 है, वो 2 वाले से पानी लेगा और डार्क जोन का क्या फायदा? और डार्क जोन में ये भी कहते हैं अगर डीजल चलाते हो आप बोर तो डार्क जोन नहीं है, बिजली से चलाते हो डार्क, ये सबसे गलत सर्वे के बगैर हुआ है, डार्क जोन उधर से कर दिया और उधर से हमें नाली का पानी, जबकि फ्लड आता है तो हमारा नुकसान होता है, 88 में भी आया, 93 में भी आया हमारी फसलों में, और लगाने के लिए हमें पानी नहीं, जबकि हम बिल्कुल नाली के पास बैठे हुए हैं। जिन 2014 के चुनाव में जो मुद्दा था वही मुद्दा अब की बार रहेगा? बिल्कुल वही रहेगा, ना हुआ तो हम भी शायद अब की बार भी बहिष्कार कर देंगे, पूरा गांव इसी एक मत पे है भी अगर नाली का पानी नहीं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बाकी विकास हो ना हो देश का, हमें विकास नहीं, हमारा विकास तो नाली का पानी है,
अगर वो नहीं आता हमारा विकास नहीं है। ये गांव सुल्तानपुरिया के युवा से लेकर के किसानों की एक ही मांग रही है, इन गांव का कोई विकास नहीं हुआ और छात्राओं को पढ़ने के लिए यहाँ नजदीक कॉलेज नहीं है और यहाँ की सड़कों की जो हालात है वो बिल्कुल खस्ता है। यहाँ के लोग जो है काफी नाराज है सरकार से। इनका मूड अब मौके पे ऐसा है कि ये सरकार के विपक्ष वोट के डालने हैं और इनका ये भी हो सकता है कि ये चुनाव का बहिष्कार भी कर दें। पलपल से ओम प्रकाश वर्मा की रिपोर्ट, रानिया।